NP24 न्यूज टीवी डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। जालौर राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश सत्र 2024 से 2025 में विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश के लिए 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जालौर के उप निदेशक प्रशिक्षण हनी सिंह चौहान ने बताया कि राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए सत्र 2024 से 2025 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 मई से प्रारंभ हो गई है, जो कि 10 जुलाई 2024 तक चलेगी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फीटर, कॉपा, वायरमैन, प्लम्बर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, मैकेनिक डीजल, स्टोन माइनिंग मशीन ऑपरेटर व स्टोन प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर में प्रवेश के लिए इच्छुक 10 जुलाई 2024 तक ई मित्र अथवा अपनी SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यशवंतपुर में क्या समस्या आ गई है, इस कारण ट्रेन लेट हो रही है एक घंटे से? ये बाड़मेर से यशवंतपुर जाने वाली ट्रेन है, इसमें ये AC कूलिंग होना ये बंद हो गया, ये लगभग बालोतरा से बंद हो गया, ये समदड़ी से ये घंटा लेट है और ये AC की ये मोटर चलने की वजह से ये AC ये काम करना बंद कर रही है पूरी। तो आपको कितनी समस्या झेलनी पड़ रही है? अभी कम ये लगभग 1.5 घंटे से समस्या झेल रही है। पिछली बार भी इसमें हुआ था, ये साबरमती वाली ट्रेन में भी इसमें भी ये हो गया है, बार बार समस्या आ रही है, क्या करना भी यात्रियों को परेशानी हो रही है गर्मी को देखते हुए। बहुत गर्मी भी है, AC भी कूलिंग काम नहीं कर रहा है, ये मोटर चल रही है बता रहे हैं, ये बच्चे भी है, लेडीज भी है, उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है। सांचौर से संवाददाता हसमुख दर्जी की रिपोर्ट।